मैं इफ्तखार इफी हाँ, तो पूरा नाम इफ्तखार अहमद उस्मानी है, तो पंजाब की धरती का बड़ा शुक्रगुजार इसलिए हाँ कि वड्डे जड़े ने 400 साल पहले माइग्रेट होके आए सऊदिया तो अरब तो, लेकिन इस पंजाब ने जिहड़ा मान तरान इज्जत रोटी मरतबा दिता उहदा बहुत प्यार बड़ा शुक्रिया अदा करना वा। तो मैं अपनी किताब चिकड़ छोले जिहड़ी रूहानियत है उहदा नाँ सिर्फ चिकड़ छोले इसलिए रखिया सी कि इस धरती दे विच रूहानियत उगदी है। यह बड़ी जरखेज़ धरती है, बुले शाह की धरती, शाह इनायत की धरती, दाता सरकार की धरती, मियाँ मीर सरकार की धरती, बाबे इशफाक की धरती। तो मैं इस धरती नूं ट्रिब्यूट पेश करना चाहना सा, ते पंजाब दा दिल लाहौर, ते लाहौर दी सब तो जायकेदार मशहूर डिश चिकड़ छोले, ते मैं चिकड़ छोले ना रख के किताब दा इस धरती नूं ट्रिब्यूट दिता। ते शायरी करना वा, ते वायरल भी होंदी है बेताशा, लेकिन मज़े की गल है वे विचली गल कि अज तक ताई मेरी कोई किताब नहीं छपी जड़ी अगले महीने छपन जा रही है। एक्टिंग दा जिहड़ा जिथे तिकर ताल्लुक है, ते ड्रामा लिखण दा जिहड़ा जिथे तिकर ताल्लुक है, वो बच्चे पालने ने ते मेरा रोज़गार हैगा। तुसी लोग प्यार करदे हो, मुहब्बत करदे हो, ते मैं तुहाडा सारिआं दा, तुसी मेरे अजीज़ो अकारब हो, मेरे रिश्तेदार हो जिहड़े मैनूं वेखदे ने, जिन्हें मैनूं पसंद करदे ने, ते मैं तुहाडा सारिआं दा बहुत शुक्रगुजार हाँ। मेरा ख्याल है कि चौंसा होंदा ही मिठा है, ते मेरा यह भी ख्याल है कि अल्लाह दा हर बंदा चौंसा है। चौंसे नूं 15 दिन पहले तोड़ लवो ते वो तुरश हुंदा है, इहनूं पक्कण दा मौका दिओ, हर बंदा मिठा ही हैगा, ते वो मिठास इस धरती दे लोकां च बहुत ज़्यादा हैगी है। ते जिथे तक गल है लिखण दी या शायर होण दी या एक्टिंग करन दी, पिछले को 2000 साल की जिहड़ी हिस्टरी जे थोड़ी बहुत मैनू पता है, उहदे च कोई ना आर्टिस्ट सी, ना शायर सी, ना एक्टर सी, ना फनकार सी, ते शायद उस तो पहले कोई जीन्स जागी है मेरे च, कोई पहले कोई गुजरिया होएगा साडे फैमिली दे विच, वो DNA अज मेरे च उजागर हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब की धरती आप बड़ी जरखेज़ है, यह शायर भी पैदा कर लेंदी है, यह आर्टिस्ट भी पैदा कर लेंदी है, अदीब भी पैदा कर लेंदी है, अफसाना निगार भी पैदा कर लेंदी है, तो शायद मेरी जात के उत्ते इस धरती का बड़ा असर रहा। तो छोटे होंदया लिखण का शौक सी, पढ़न का शौक सी, घर च लाइब्रेरी सी, तो उ शौक शायद टुरद अज इफ्तखार इफी बन गया, तो वह फिर परिजात के कमाली की शक्ल भी सामने आ गया, शायर की शक्ल भी सामने आ गया। नागन ड्रामा मैं लिखिया, बड़ी मुहब्बत मिली, फिर करम जली किसे अपना कहें मिठास गलती उतरेगा अपना कोई खजर, तो यह जीवन के बहाने है ने। लेकिन मेरा जिहड़ा टारगेट है वो इंसान दे नाल मुहब्बत करनी, रब दे बंदे दी सेवा करनी। मैं भगत हाँ, मैं सेवा करन वाला वा रब दे बंदियां दा, ते अल्लाह ताला मैनूं इस मिशन च कामयाब फरमाए। एक गल मैं आखिर च तुहानूं दसांगा, कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जिहदे वल तुसीं टुरदे जाओ ते पूरी ना होवे मिले ना, ते अल्लाह दे बंदिया दी खिदमत करना एक ऐसा टारगेट है जिहड़ा ना उन्हां दी तकलीफां मुकनियां ने ते ना तुसीं टारगेट अचीव करोगे। केटू जिन्हां जिन्हां ने सर कीती सी उन्हां चों इक दा वी मैं ना नहीं जानदा, लेकिन जिहड़ा केटू सर करदे 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 राह च मर गया सी वह हीरो हो गया, सारे उहदा ना जानदे ने, उह वे सतपारा, ते अल्लाह ताला मैनूं सतपारा बना देवे, अल्लाह सानूं आसानियतां फरमाए ते आसानियां तकसीम करन दा शर्फ अता फरमाए, आमीन।